हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है आप सभी? तो आपका भाई मनराज फिर से आ चुका है एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो आज फिर से आपके लिए होने वाली है इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम आए हुए हैं चंदौली जिले के उत्तम नामक के कस्बे के पास। तो यहाँ पे हम आए हुए हैं और मैंने आपको रामगढ़ वाले फोर्ट को दिखाया था, वहाँ का मैंने शूट करके आपको दिखाया था। तो वहाँ पर मैंने जब दिखाया था आपको, तो मैंने ये बताया था आपको कि एक ऐसा गेट है कि वहाँ से आप एंट्री करोगे तो आप इस फोर्ट में आके निकलोगे। तो जी हाँ, मैं उसी वाले दरवाजे पे आ चुका हूँ जहाँ से मैंने बात किया था आपका। तो वो आप जो किला देख रहे हैं, ये उसी किले की बात मैंने किया था। यहीं पे एक ऐसा गेट है जहाँ से आप एंट्री करोगे तो आप रामगढ़ वाले फोर्ट पे निकलोगे जाके। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कितनी जर्जर इमारत हो चुकी है अभी, और काफ़ी बड़ा बना हुआ है ये, अब तो काफ़ी जर्जर हो चुकी है। तो एक किला आप देख सकते हो, यहाँ पे भी एक गेट है। तो दोस्तों, मैं जो भी आपको सीन दिखाऊंगा वो मेरे बैक कैमरे से दिखाऊंगा। अभी हम लोग बाहर के पोर्शन पे हैं और ये बाहर का पोर्शन नज़ारा देखिए आप। दोस्तों, आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे आकृति जो है इसकी, ये काफ़ी अच्छी तरीके से बनाई गई, बहुत पुरानी इमारत है ये और देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो जैसा कि ये बाहर का पोस्चर दिख रहा है आपको, ये पोर्शन है बाहर का, देख सकते हैं आप कितनी अच्छी आकृति इसमें की गई है और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देखने में भी, और बनावट इसकी पुरानी इमारतों जैसी है। हाँ दोस्तों, फिलहाल अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं और ऊपर के पोर्शन से आपको हम दिखाएंगे यहाँ का नज़ारा, जो यहाँ की गवर्नमेंट, जो अभी प्रशासन के बिना भी ये कितना खूबसूरत दिखता है। अभी हम आपको दिखाते हैं, ये छत के ऊपर का पोर्शन है। अभी हम छत पे आए हुए हैं और आपका यहाँ का पूरा वीडियो शूट करके पूरा आपको दिखा रहे हैं। देखने में बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है ये, और ये यहाँ का गार्डनिंग है पूरा। यहाँ पे आज भी बिना किसी के परवाह के बिना भी यहाँ पे पूरी साफ सफाई का ध्यान रखा गया है। और दोस्तों, फिलहाल मैं बहुत ही दुख के साथ ये कहूँगा कि मैंने ये वो गेट बहुत खोजा लेकिन यहाँ पे मिला नहीं। और मैंने यहाँ के लोगों से भी पूछा तो उन्होंने बताया कि पुरातत्व विभाग भी यहाँ पे आ चुका है 2-3 बार। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पुरातत्व विभाग यहाँ पे आ चुका है कई बार, और वो 3-4 बार यहाँ पे निरीक्षण कर चुका है, लेकिन वो भी लोग भी नाकाम हो गए निरीक्षण करने में। उनका बोर्ड भी लगा हुआ है, मैं आगे बोर्ड भी आप लोगों को दिखाऊंगा। फिलहाल चलते हैं अभी धीरे धीरे इस हवेली की तरफ। और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा और वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिलहाल यहाँ पे काफी फैमिली आई हुई है और सब लोग बैठे हुए हैं, अपना मजा ले रहे हैं। तो परिवार के साथ आप भी आइए, और काफी अच्छी जगह है यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जितना भी पोर्शन आप देख रहे हैं सब इस फोर्ट के अंदर ही आता था, लेकिन ये फोर्ट अब बिल्कुल तरीके से टूट चुका है। हाँ दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है? वैसे ये जो इसका एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, और वो पीछे दीवार जो आपको दिख रही है वो यहाँ तक, मतलब पूरा ये बना हुआ था महल, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा इमारत हो चुकी है ये। तो एक महल इसका वो बना पीछे और एक इसके बगल में बनाई है यहाँ। तो मैं ये चल के ये भी आपको दिखाऊंगा, और दिखाने के बाद जो है मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। तो ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया इसकी जानकारी, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल ये इमारत ऐसे देखने में अब लग रही है, काफ़ी पुरानी हो चुकी है। रामगढ़ वाला फोर्ट आपको मैंने दिखाई दिया था, उसकी अपेक्षा ये काफ़ी बहुत ख़राब हो चुकी है और वो इससे काफ़ी सही है। तो यहाँ के महल को, मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि हाँ इसको थोड़ा साफ़ सुथरा रखे और इसको अपनी कस्टडी में ले, ताकि इसकी देखभाल और अच्छे से हो सके। आप जैसा कि देख सकते हैं, बाकी परिवार के साथ आप आ सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, कुछ समय बिता सकते हैं, अपने परिवार को समय दे सकते हैं। लॉकडाउन में समय बिताने का सबसे अच्छा तरीका है, तो आप आएँ अपने परिवार के साथ। जो मेरे चंदौली के दोस्त हैं, व्यूअर्स हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ आओ और घूमो और देखो कि वाकई में हमारी पुरानी इमारतें अब कैसे देखने में लगती हैं और क्या कंडीशन है इनकी। इनके बारे में आप, इनकी हिस्ट्री जानो, के बारे में आप जानोगे, जितना जानोगे उतना नॉलेज आपको मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, आप आइए, और सजेशन मेरा यही रहेगा कि आप आइए और घूमिए यहाँ पे और देखिए। ये फिलहाल ये इमारत है और ये पीछे है, मैं चल के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलते हैं वहाँ पे, आपको हम दिखाते हैं। जो भी फिलहाल मेरे जो भी वीडियोज शूट होते हैं वो, मैं सिंगल हूँ इसलिए मैं अपने खुद शूट करता हूँ, और मेरे बैक कैमरे से आपको मैं अपना दिखाऊंगा।
ठीक है चलते हैं। दोस्तों फिलहाल मैं अभी इस महल के पीछे के पोर्शन पर खड़ा हूँ और आप जैसा कि देख सकते हैं इसकी दीवारें कितनी मोटी बनी हुई हैं और इसमें आकृति कितनी बढ़िया लग रही है। दीवार अभी भी देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है और इसकी मोटाई बहुत है, इसकी जो मोटाई है वो बहुत अच्छी है और देख सकते हैं आप फूल वगैरह लगे हुए हैं। केयर की जा रही लेकिन उतनी अच्छे से नहीं की जा सकती इसको, कि जब तक गवर्नमेंट के अंडर में ये प्रॉपर्टी नहीं आएगी तब तक इसकी केयर सही से नहीं हो सकती। ये कुछ पीछे का पोर्शन है और इसके पीछे ये नज़ारा है, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। देखिए अभी फिलहाल मैं सबसे किनारे पोर्शन पे खड़ा हूँ छज्जे के पास। यहाँ पे एक मंदिर भी बना हुआ है और अभी ये मंदिर का निर्माण जल्दी हुआ है, स्थापना शायद पहले हो गई थी इसकी। ठीक है तो देख लीजिए। इस इमारत के अंदर कुछ है नहीं वैसे देखने लायक, बाकी बना है तो ऐसे ही देख लीजिए आप आकृति। बस इसके अंदर हॉल है एक, और हॉल के अंदर भी कुछ नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ पास से। बाकी यहाँ की ग्रीनरी बहुत अच्छी लग रही है, बारिश भी बहुत तेज हो रही है। दोस्तों फिलहाल अभी हम बाहर हैं और ये बाहर का देखने का गेट जो है वो गेट है ये, और फिलहाल इसके अंदर भी कुछ देखने को मुझे वैसे मिल नहीं रहा है, और ये पूरा खंडहर हो चुका है अब। सारी दीवारें जो इसकी थी वो टूट गई हैं। पहले के जो राजा महाराजा थे वो अपने यहाँ बैठने के लिए बनाते थे या दरबारी वगैरह के लिए जो भी था, अब इतना तो नहीं पता इसमें, लेकिन जो भी है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है और हर तरीके से हर तरफ से पानी गिरता है, मतलब बरसात में भी आप यहाँ पे सेफ्टी तरीके से नहीं खड़े। दोस्तों जब पुरातत्व विभाग पहली बार आया था तो तब ये बोर्ड लगा के गया था, और जब दूसरी बार आया था तो ये बोर्ड लगा के गया था, और तीसरी बार जब आया था तो ये बोर्ड लगा के गया था। हाँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। तो फिलहाल अभी हम आपको जितना भी था मैंने आपको दिखा दिया है, और एक शिकायत है आप लोगों से, बुरा मत मानिएगा लेकिन एक शिकायत है, आप लोग वीडियो देखते हैं लाइक भी करते हैं कुछ लोग लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो बहुत दुख होता है। बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ और फिलहाल अभी बहुत पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है लेकिन फिर भी मैं वीडियो शूट करना मेरा काम है आप लोगों के लिए करता हूँ, आप लोगों के प्यार के लिए करता हूँ, आप लोगों के लिए सपोर्ट के लिए करता हूँ। तो जितना भी था पूरा एक बार फिर से आपको 360 डिग्री शॉट्स मैं दिखाता हूँ, फिर मैं दिखा देता हूँ आपको। ये पूरा शॉट्स है, ये यहाँ का नज़ारा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, और इसकी दीवार कम से कम है तो 10 से 20 फीट ऊंची है, ये जानकारी आपको मैं दे दे रहा हूँ। और जो भी दरवाजा वगैरह है वो सब इस किले के अंदर है, वो दरवाज़ा पूरा बंद कर दिया गया है, बाकायदा उसको ढक दिया गया है, नहीं तो मैं वो भी दिखाता आपको। और ये बात सही है, अगर आप सर्च करना चाहो तो सर्च कर सकते हो, जो काशी के जो राजा थे वो काफ़ी जाने माने राजा थे और उनके बारे में आपको हिस्ट्री गूगल पे मिल जाएगी। मैं सर्च करूंगा, अगर मुझे मिल जाती है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आप विजिट देख लीजिएगा जाके। और फिलहाल जो भी है वो इस किले के अंदर है, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो भी है इस किले के अंदर है, और यहीं पे वो गेट है जिसके अंदर आप घुसोगे तो अंदर ही सुरंग बनी हुई है। पहले के राजा लोग अपनी सुरक्षा के लिए ऐसी सुरंग बनाते थे ताकि कोई भी आक्रमण होता है उनके ऊपर तो वो इस सुरंग से किसी दूसरे महल में अपने जा सकते हैं। तो वो सुरंग यहीं पे है, और यहीं से आप अगर घुसते हैं तो आप रामनगर वाले किले में निकलेंगे जाके। रामनगर किला जिसको भी नहीं पता है, मैंने पहले ही वीडियोस की डाल दिया है, वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हो और वहां पे देख सकते हो। प्लीज़ दोस्तों हिट लाइक कर दिया करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबा लिया करिए। आप लोग ये नहीं करते हैं तो बहुत दुख होता, थोड़ा सा दुख होता है, तो प्लीज़ सपोर्ट किया करिए। ओके अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे
आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, तब के लिए नमस्कार, जय हिंद।